जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है यूपीएससी में। यहाँ पदों की संख्या 12 है, पद का नाम है क्लर्क। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 25 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 32 होनी चाहिए। मासिक आय 23,000 से 45,540 रहेगा। आवेदन के लिए आप www.upsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी में भी नहीं जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगली वैकेंसी है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। यहाँ पदों की संख्या 1233 है, पद का नाम है अप्रेंटिस। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 नवंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को 10वीं पास या ITI होना चाहिए। मासिक आय 30,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन के लिए आप www.bharatiseva.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो घबराइए मत, क्योंकि अगली वैकेंसी है NIT जालंधर में। यहाँ पदों की संख्या 30 है, पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 नवंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को BE या BTEC होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आप www.nitj.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई है तो आप CISF ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 300 है, पद का नाम है जनरल ऑफिसर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 नवंबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 38 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। पे स्केल 50,650 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.cisf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप सदर्न रेलवे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 100 है, पद का नाम है टिकट कलेक्टर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 56,100 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.sr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सदर्न रेलवे में भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन ड्यू में कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 30 है, पद का नाम है टीचर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 14 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BEd पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 47,500 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.du.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप घबराइए मत, क्योंकि IIT धनबाद ज्वाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पदों की संख्या 12 है, पद का नाम है जूनियर टेक्नीशियन। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को BTEC पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 45 होनी चाहिए। पे स्केल 40,000 से 52,400 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.iitism.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंजाब नेशनल बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 3 है, पद का नाम है कैशियर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 50,000 से 65,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार www.pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अगली वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। यहाँ पदों की संख्या 43 है, पद का नाम है ऑफिसर्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 40 होनी चाहिए। पे स्केल 65,000 रुपए रहेगा। आवेदन के लिए आप www.mca.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बड़ी बंपर वैकेंसी है दिल्ली सिविल डिफेंस में। यहाँ पदों की संख्या 100 है, पद का नाम है होमगार्ड। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 नवंबर 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 21,000 रुपए रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.delhi.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए
कि आपके डॉक्यूमेंट पे जो आपने विवरण लिखा है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी 10 अलग अलग विभागों के सरकारी नौकरियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट।